हाय फ्रेंड्स, इंश्योरेंस टेक्निकल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं LIC के जीवन उमंग प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 845। यह एक होल लाइफ पेंशन प्लान है, अर्थात यह पॉलिसी आपकी जिंदगी भर या आपके 100 वर्ष पूरे होने तक चलती है। यह एक नॉन लिंक प्लान है, अर्थात शेयर मार्केट के रिस्क से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, अर्थात आपको पॉलिसी पीरियड से कम पीरियड तक प्रीमियम पे करना होता है। यह एक विथ प्रॉफिट प्लान है, अर्थात LIC अपने फिनेंशियल परफॉर्मेंस के अनुसार आपके साथ प्रॉफिट को वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में शेयर करेगी। इस प्लान की जो सबसे खास बात है वह है वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस। इस बोनस को LIC हर साल के अंत में डिक्लेयर करती है और उस रेट के अकॉर्डिंग आपका सम इंश्योर्ड हर साल बढ़ता जाता है। और जो दूसरी खास बात है वह है फाइनल एडिशनल बोनस। यह बोनस डेथ क्लेम या पॉलिसी के मैच्योरिटी पे पेबल होता है। पॉलिसी पीरियड, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो पॉलिसी पीरियड होती है वह 100 माइनस बीमा धारक की वर्तमान उम्र होती है। यदि बीमा धारक की वर्तमान उम्र 30 वर्ष है तो 100 माइनस 30 इक्वल टू 70, अर्थात पॉलिसी का पीरियड 70 वर्ष होगा। यदि बीमा धारक की वर्तमान उम्र 35 वर्ष है तो 100 माइनस 35 इक्वल टू 65, अर्थात पॉलिसी पीरियड 65 वर्ष की होगी। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। यह पॉलिसी अलग अलग प्रीमियम पेमेंट टर्म के रूप में 4 ऑप्शंस में अवेलेबल है। ऑप्शन 1 है 15 इयर्स, ऑप्शन 2 का प्रीमियम पेइंग टर्म है 20 इयर्स, ऑप्शन 3 का प्रीमियम पेइंग टर्म है 25 इयर्स और ऑप्शन 4 का प्रीमियम पेमेंट टर्म है 30 इयर्स। पॉलिसी लेने के लिए जो मिनिमम एज है वह है 90 डेज और यह चारों ऑप्शन के लिए सेम है। जो मैक्सिमम एज है 15 वर्ष प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए 55 वर्ष, 20 वर्ष प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए 50 वर्ष, 25 वर्ष प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए 45 वर्ष और 30 साल प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए 40 वर्ष। इस पॉलिसी का जो मिनिमम सम इंश्योर्ड है वो है 2 लाख। इससे ज्यादा का सम इंश्योर्ड आप 25 लाख के गुणक में ले सकते हैं, अर्थात 2 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड में आप 2,25,000, 2,50,000, 2,75,000, 3 लाख, अर्थात 25,000 के गुणक में ले सकते हैं। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड के किसी भी ऑप्शन में कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। यह पॉलिसी आपको लोन की भी सुविधा उपलब्ध कराती है। यहाँ पे आप जान लें कि 3 वर्ष के प्रीमियम भुगतान करने के बाद इस पॉलिसी के अंतर्गत आप लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट के बारे में। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं 25 वर्ष के आयु के व्यक्ति ने 25 वर्ष के प्रीमियम पेमेंट टर्म का चुनाव किया है और 10 लाख के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ली है, तो यह पॉलिसी बीमा धारक के 25 वर्ष से शुरू होगी और इसके 100 वर्ष पूरे होने तक चलेगी। यहाँ पर पॉलिसी पीरियड 100 माइनस 25 अर्थात 75 वर्ष होगी। चूंकि प्रीमियम पेइंग टर्म 25 वर्ष है, मतलब बीमा धारक को 50 वर्ष पूरे होने तक प्रीमियम पे करना है। प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होते ही बीमा धारक को हर वर्ष सम इंश्योर्ड का 8% अर्थात 80,000 रुपए अगले 50 वर्षों तक मिलता रहेगा, जो कि कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। और 100वें वर्ष में मैच्योरिटी के रूप में जो मिलता है वह है बेसिक सम इंश्योर्ड जो 10 लाख है, वेस्टेड बोनस फॉर प्रीमियम पेइंग टर्म 11,75,000 है, वेस्टेड बोनस आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म 11,50,000 है और साथ में फाइनल एडिशनल बोनस जो होगा 93,60,000, यानी टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में 1,26,85,000 रुपए मिलेंगे, जो कि कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। लेकिन यदि बीमा धारक की मृत्यु 100 वर्ष से पहले हो जाती है तो इसे हम 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, डेथ ड्यूरिंग प्रीमियम पेमेंट टर्म। यदि बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी के 20वें वर्ष में हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में 19,75,000 मिलेगा।
दूसरे एग्जाम्पल में बीमा धारक की मृत्यु प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद 75 वर्ष में हो जाती है। इस कंडीशन में 61,60,000 रुपए मिलेंगे। इस पॉलिसी की जो दो बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट है वो है स्पेशल सरेंडर वैल्यू बेनिफिट और दूसरा है पेड अप वैल्यू बेनिफिट। स्पेशल सरेंडर वैल्यू बेनिफिट इस पॉलिसी को जो खास बनाती है वो है स्पेशल सरेंडर वैल्यू बेनिफिट। मतलब यदि बीमा धारक मैच्योरिटी बेनिफिट के लिए 100 वर्ष तक इंतजार नहीं करना चाहता तो वह प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद जब चाहे पूरे पैसे निकाल सकता है। इस कंडीशन में जो पैसे उसे मिलते हैं वह उस समय पॉलिसी के अंतर्गत डेथ बेनिफिट का 90% होता है। जैसे एग्जाम्पल 2 में 75 वर्ष की आयु में मृत्यु होने पर डेथ बेनिफिट के रूप में 61,60,000 रुपए मिले थे। यदि बीमा धारक 75 वर्ष की उम्र में जीवित है और विड्रॉ का चुनाव करता है तो उसे स्पेशल सरेंडर वैल्यू के रूप में डेथ बेनिफिट का 90% अर्थात 61,60,000 का 90% मतलब 55,44,000 रुपए उसे मिलेंगे। पेड अप वैल्यू बेनिफिट इस पॉलिसी के अंतर्गत यह एक बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है जिसके अंतर्गत बीमा धारक कुछ वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया। इस कंडीशन में इस पॉलिसी के लाभ बंद नहीं होते बल्कि इस पॉलिसी के सारे लाभ घटे हुए सम इंश्योर्ड के साथ जारी रहते हैं। इसके दो कंडीशन है, पहला कि मिनिमम 3 वर्ष का प्रीमियम का भुगतान किया गया हो और दूसरा पेड अप वैल्यू का सम इंश्योर्ड मिनिमम 2,00,000 हो। आप पेड अप वैल्यू को सिंपल फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। पेड अप वैल्यू सम इंश्योर्ड इक्वल टू नंबर्स ऑफ इयर्स प्रीमियम पेड डिवाइडेड बाय प्रीमियम पेमेंट टर्म इनटू सम इंश्योर्ड। इसे इस एग्जांपल से समझते हैं। नंबर्स ऑफ ईयर प्रीमियम पेड 3 इयर्स, प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 इयर्स, सम इंश्योर्ड 15,00,000। तो पेड अप सम इंश्योर्ड इक्वल टू 3 इयर्स डिवाइडेड बाय 15 इयर्स इनटू 15,00,000 इक्वल टू 3,00,000। तो यहां पे पेड अप सम इंश्योर्ड 3,00,000 होगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो इनकम टैक्स के बेनिफिट हैं जो आप प्रीमियम का भुगतान करते हैं वह 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड होता है और इस पॉलिसी के अंतर्गत जो सर्वाइवल डेथ या मैच्योरिटी बेनिफिट पेड होते हैं वह सेक्शन 10(10)(d) के अंतर्गत एग्जम्प्टेड होते हैं। यानी कि यह कम्प्लीटली टैक्स फ्री पॉलिसी है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो भुगतान होता है यह कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के राइडर्स के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत 4 राइडर्स उपलब्ध हैं जिसमें से आप 3 का चुनाव कर सकते हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर और एक्सीडेंटल राइडर। इन दोनों में से किसी एक का चुनाव बीमा धारक कर सकते हैं। दूसरा है टर्म राइडर और तीसरा है क्रिटिकल इलनेस राइडर। यदि आपको इन राइडर्स को डिटेल में समझना हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक कर सकते हैं। इसकी लिंक वहां उपलब्ध होगी या फिर जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत 4 प्रीमियम पेमेंट मोड अवेलेबल हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। यदि बीमा धारक एनुअल प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करता है तो टेबुलर प्रीमियम में 2% का रिबेट मिलता है और यदि बीमा धारक हाफ ईयरली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करता है तो उसे प्रीमियम में 1% का रिबेट मिलता है। क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए कोई रिबेट नहीं है। साथ ही साथ यह पॉलिसी हाई सम इंश्योर्ड के लिए भी रिबेट प्रदान करती है। 4,75,000 तक के सम इंश्योर्ड के लिए कोई रिबेट नहीं है। 5,00,000 से 9,75,000 तक के सम इंश्योर्ड पे 1.25% का रिबेट है। 10,00,000 से 24,75,000 तक 1.75% का रिबेट है। 25,00,000 और इससे ऊपर के सम इंश्योर्ड पे 2% का रिबेट है। यह रिबेट आपको टेबुलर प्रीमियम पे मिलता है। तो दोस्तों यह थी LIC के जीवन उमंग पॉलिसी की जानकारी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी के लिए। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड।